दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाकाल कॉरिडोर की, जिसे बनाने में अरबों खर्च हुए और 28 मई को आई हवा के चलते यहाँ की मूर्तियाँ ढेर हो गई। आखिर इतना पैसा खर्च होने के बावजूद ऐसे कैसे ढेर हो गई मूर्तियाँ? जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में 28 मई को आई आंधी के दौरान श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में बनी सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां गिरी और उनमें से 3 टूट भी गईं। इसका कारण आंधी नहीं, मूर्तियों का खराब निर्माण है। विशेषज्ञों के हवाले से छपी कुछ मीडिया रिपोर्टों में इन मूर्तियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टूटी हुई मूर्तियाँ अंदर से खोखली थी, इनका बेस भी कमजोर था, इनके नीचे काफ़ी जगह छोड़ दी गई थी जिससे आसानी से हवा और पानी इनमें जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार इनके भीतर सरिये भी नहीं लगाए गए थे। 10 से 25 फीट ऊंची इन मूर्तियों को फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाया गया था, जबकि ऐसी मूर्तियों को मजबूती देने के लिए इनके अंदर सरिये लगाए जाते हैं। दैनिक भास्कर ने सिविल इंजीनियर और मूर्तियों के जानकार आशीष शर्मा जी से बातचीत के आधार पर बताया कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी मूर्ति का वजन हल्का होता है, इन्हें ऊंची जगह पर लगाने पर मजबूती के लिए एक केमिकल डाला जाता है। महाकाल लोक की मूर्तियां अंदर से खोखली होंगी, इस कारण हवा का प्रभाव नहीं झेल पाई। इस तरह की मूर्तियां लोहे का प्लेट लगाकर लोहे के सेक्शन पर कसना होता है। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूर्तियों की बनावट ऐसी नहीं थी कि वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को झेल सके। भोपाल के मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन में 28 मई को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली, जिसका प्रेशर मूर्तियां नहीं झेल पाई। इस मामले पर मूर्तियां बनाने वाली एमपी बावरिया कंपनी की सफाई आई है। प्रोजेक्ट मैनेजर संजय पटेल ने दैनिक भास्कर को बताया कि तेज हवा ने बवंडर बना दिया, जिस कारण से अंदर का स्ट्रक्चर टूट गया। पटेल ने कहा कि मूर्तियों के अंदर माइल्ड स्टील का जॉइंट कमजोर पड़ गया होगा, इनमें अब स्टील के साथ कंक्रीट लगाया जाएगा। इस मामले में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।